दोस्तों हम आए हैं ढाई दिन के झोपड़ा में, यानी कि ये है अजमेर में, और काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो आपको दिखाते हैं ये ढाई दिन में कैसे बना और कितना बड़ा है ये। चलिए सब कुछ आपको दिखाते हैं। ये पीछे देख सकते हैं ये ढाई दिन में बनकर तैयार हुआ है बोला जाता है, अभी तो पता नहीं। चलिए अंदर चल कर देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा और शानदार है। चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से। ये देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई है इसकी, और बोलते हैं कि ये ढाई दिन में बनकर तैयार हो गया है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी शानदार फिनिशिंग है इसकी, इसीलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरीके से। काफ़ी सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, जैसे कि दरगाह है, बहुत सारे प्लेसेस हैं, और ढाई दिन का झोपड़ा है। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो काफ़ी शानदार लगता है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी मस्त प्लेस है, फ्रेंड्स घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अजमेर के पास ही है, रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमने ढाई दिन का झोपड़ा पूरा दिखा दिया है, यानी कि पूरी आपको जानकारी भी दे दी है और पूरा आपको दिखा दिया कि कैसा है ढाई दिन का झोपड़ा। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।